अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ सानिया गुल। नाजरीन, चीन में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप ने काम का बाकायदा आगाज कर दिया है। दूरबीन को 3 साल के आजमाइशी ऑपरेशन के बाद मंजूर किया गया है। 500 मीटर रकबे पर पहली टेलीस्कोप को बनाने में पाकिस्तानी साइंसदानों ने भी किरदार अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक चीन में बनाई गई इस रेडियो टेलीस्कोप की डिश का रकबा आधे किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस टेलीस्कोप ने गुज़िश्ता 2 साल में 102 नए इजराम फलकी दरियाफ्त किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन टेलीस्कोप ने यूरोप और अमेरिका के साइंसदानों की निस्बत ज्यादा इजराम फलकी दरियाफ्त किए हैं। ये 1 सेकंड में 38 GB डेटा जमा करने की सलाहियत रखती है। इस रेडियो टेलीस्कोप को 70 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से 20 साल के अरसे में बनाया गया है। रेडियो टेलीस्कोप बनाने में अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान के 10 साइंसदानों ने अहम किरदार अदा किया है। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने टेलीस्कोप के आजमाइश के बाद मंजूरी दे दी है। ऑसाफ डिजिटल से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑसाफ डिजिटल।